जिस विधायक को आपने एक तरफा वोट देके चुन के दिया, वो विधायक आज भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाट रहा है और बोल रहा है बस मुझे जेल से बचा लो, मुझे अपनी कौम की चिंता नहीं है। ये वही लोग हैं आज हमारे विधायक उसके साथ खड़े हैं जो मॉब लिंचिंग को बढ़ावा देते हैं, जो हमारी मस्जिदों के सामने आके ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जो आपसे छुपा नहीं है। मैं सिर्फ दो वादे आज आपसे करना चाहता हूं। एक सपना लेके आया हूं, 2019 का चुनाव याद होगा, नवाब भाई बोलते थे कि इस्लाम खतरे में है इसीलिए मुझे वोट कर दो और जो उनके सामने वाला उम्मीदवार था जो कभी आपका भी मित्र था उसको हरा दो। आज उसी के साथ अलायंस में है, खुद वहां से लड़ रहे हैं, बेटी को यहां से लड़ा रहे हैं और वो हमारे उम्मीदवार लोकप्रिय उम्मीदवार के सामने चेंबूर से लड़ रहे हैं, याद है ना। अब नवाबों की नवाबियत का दौर गया, ये लोकतंत्र है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, यहां राजशाही नहीं लोकतंत्र चलता है। अरुण शक्तिनगर कोई खिलौना नहीं है जो बाप ने बेटी के हाथ में उठा के दे दिया और कहा बजाते रहो। जब से बेटी आई है तब से बोलती है बहुत मेहनत कर रही हो, हाँ मेहनत कर रही है, बाप लेते थे 18% और बेटी लेती है 28%। मैंने पूरे चुनाव में बहन बोला, जिस वक्त जिस पल मुझे टिकट मिला मैंने कहा मेरी बहन है, लेकिन इनके लोगों ने मेरी बीवी जो बाई रोड फलस्तीन गई थी उठाए मजलूमों और फलस्तीन के लिए आवाज उठाने के लिए, जो हिंदुस्तान की सबसे मजबूत आवाज है फलस्तीन के लिए, उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाए। मेरी 13 महीने की बच्ची, उसके ऊपर इन लोगों ने सवाल उठाए। मैंने एक बात कह दी कि बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। मैं अब शिवसेना के साथ हूं, शिवसेना वालों से सीखा है मैंने, मुंह का गलत पत्थर का जवाब हम भी ईंट से देना जानते हैं। आज उद्धव साहब ठाकरे जी का मेरे ऊपर पूरा विश्वास है, उनके सिपाही प्रमोद शिंदे जी मेरे बराबर में खड़े हैं, राहुल गांधी जी ने इमरान भाई को मेरे लिए भेजा है। आज इस बात का वादा कर दो कि जिन लोगों ने शरद पवार साहब के पीठ में खंजर भोपा था, और साहब एक बात बहुत जरूरी है बताना कि नवाब भाई पूरे देश में ड्रग्स का अपने आप को सबसे बड़ा विसल ब्लोअर बोलते हैं, लेकिन जहां आप खड़े हैं उससे 100 मीटर दूर पे और आपके पीछे करबला मैदान, इन दोनों जगहों को नशे का अड्डा बना दिया और जाके शाहरुख खान के बच्चे की लड़ाई लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दामाद और उनका बेटा ड्रग्स करते हुए पकड़े गए थे और दोनों के ऊपर कार्रवाई हो रही थी। और चाचा जेल जाने का तो ऐसा बहाना कर रहे हैं जैसे यूसीसी या सीएनआरसी के कारण जेल गए थे कि मेरी मजबूरी थी, मैं जेल चला गया था इसलिए बीजेपी में चला गया। होगी आपकी कोई मजबूरी? हमारी कोई मजबूरी नहीं है, ना मुसलमान को कोई खरीद सकता है, ना अच्छे हिंदू को कोई खरीद सकता है। इन्होंने बोला है कि मैं हड्डियां डालूंगा और लोगों को खरीद लूंगा, मैं पैसा बांटूंगा लोगों को खरीद लूंगा। मेरी माए, मेरी बहने, मेरे बुजुर्ग इस बात को जानते हैं कि हम वो लोग हैं जब 1857 के अंदर जंग हुई, इस देश को बचाने के लिए हमारे उलमाओं ने अपना सर कलम कराना सही समझा, लेकिन कभी घुटने जो है देखना सही नहीं समझा। और खासतौर से आरएसएस और नागपुर वालों को बोलना चाहता हूं कि आप नवाब भाई को लेके आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि आप चीता कैंप के विकास की बारी है। कब्रिस्तान में 8 करोड़ 40 लाख रुपए का फंड अलॉट हुआ था, जाके देखो अपने कब्रिस्तान में क्या 40 लाख रुपए भी लगे। और जो लोग हमसे हमारी नागरिकता का सवाल पूछते थे, हमारे भारतीयता का सवाल पूछते थे, उन सबको बोल देना कि जब तुम्हारा बाप अंग्रेजों के तलवे चाटा करता था तब हमारा बाप इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा के फांसी के तख्त को चूमता था। ये मौका है पूरे दुनिया में ये मैसेज देने का कि अगर आप विचारधारा बदलेंगे, अगर आप गद्दारी करेंगे, उसके बाद जो सेकुलर वोट है चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या दलित हो, वो आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा। मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, ये बोलते हैं काम किया है काम करेंगे, क्या हमारे बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी बनी? क्या हमारे बच्चों के लिए एक स्कूल बना?
क्या मेरी माओ के लिए मैटरनिटी सेंटर बना? क्या इन नौजवानों को नशे से बचाने के लिए स्किल सेंटर डेवलप करा के नौकरी दी गई? क्या जो आरएमसी प्लान जिसके लिए प्रमोद भाई खुद गुना दाखिल हो चुके हैं, टाटा नगर के आरएमसी प्लान रुके? यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं सिर्फ इसलिए वोट नहीं मांगूंगा कि खड़ी और कमल एक है, मैं ये भी सपना लेके आया हूं कि जिस मुश्किलों में आपका बेटा पैदा हुआ है, आने वाली जनरेशन के लिए आपका बेटा काम करेगा। अल्लाह ने जो भी सलाहियतें दी है, ना कभी किसी से झुका हूं, ना कभी किसी से डरा हूं। दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, लेकिन हक को हक कहने के लिए आपका भाई कभी जो है पीछे नहीं हटेगा। आखिर में आपसे तो मेरी बात होती रहेगी, आपको भी पता है इमरान भाई का एक एक मिनट निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। याद रखना, दो नंबर का बटन। क्या नंबर का बटन? क्या नंबर का बटन? कुछ लोग ये कहते हैं कि तुतारी अभी घर घर तक नहीं पहुंची है, आज से निकल जाना गली गली, भूल जाना सब कुछ और सबको बता देना कि इस तरह की तुतारी बजा के हम नवाब को तुतारी बजा के कुरला वालों को कुरला भेज देंगे और आपका लोकल आमदार पांजरा पोल में जब आवाज दोगे आपके लिए खड़ा रहेगा। बस आखिर में एक और शेर से बात खत्म करूंगा। अलीगढ़ का पढ़ा हुआ हूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, तो वो रिवायत मुझे हमेशा मेरे खून में रही कि मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूं, मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूं, मैं बातें भूल भी जाऊं तो लहजे याद रखता हूं, और सरे महफिल जो निगाहें मुझ पे पड़ती हैं, निगाहों के हवाले से वो चेहरे याद रखता हूं, और जरा हट के चलता हूं जमाने की रिवायत से कि जिन पे बोझ मैं डालूं वो कांधे याद रखता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।